हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रीच चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहां मैं आपको लेकर आया हूं देवरा बाबा के आश्रम में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है देवरा बाबा का आश्रम। ये वही देवरा बाबा हैं जिनके आशीर्वाद लेने के लिए देश और विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आया करती थी। यहाँ इनसे आशीर्वाद लेने के लिए देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और भी कई बड़ी हस्तियां यहां इनका आशीर्वाद लेने आया करती थीं, और बड़े बड़े अभिनेता भी यहां आया करते थे। तो आज मैं आपको देवरा बाबा का पूरा आश्रम दिखाऊँगा और पूरी आपको विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये यमुना नदी है, यहाँ हम खड़े हुए हैं। ये है एक टेम्परेरी पुल बनाया गया है जो कि कुछ दिनों बाद में हटा लिया जाएगा। और सामने आप देखिए, वो लग रहा है कुंभ का मेला। उधर दिखाइए, वो लग रहा है कुंभ का मेला, ये यमुना जी के घाट पर। और इसी घाट के, ये जो घाट है इसका नाम है केसी घाट, और इसी घाट के सामने ये है देवरा बाबा का आश्रम। देवरा बाबा का जन्म कहाँ हुआ, यह एक रहस्य है, और देवरा बाबा की उम्र को भी कोई नहीं बता पाया। देवरा बाबा की उम्र बताई जाती है कि 900 साल थी, कोई बताते हैं 500 साल, कोई बताता है 250 साल। देवरा बाबा सन 1990 में यहाँ उन्होंने समाधि ली थी, यही है वो समाधि स्थल। यहाँ एक मचान है जिस पर बाबा बैठा करते थे, और कभी भी किसी ने भी उन्हें वहाँ से उतर के नीचे घूमते फिरते नहीं देखा था। वो केवल स्नान करने के लिए उतरा करते थे। यह स्थान बहुत ही रहस्यमय स्थान है, तो ये पूरा स्थान मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देवरा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के रहने वाले थे, ऐसा माना जाता है। तो ये गेट है, यहाँ आप देख सकते हैं, श्रद्धा एवं भक्ति की पावन बेला में श्री देवरा बाबा समाधि स्थल आपका स्वागत करता है। तो ये अभी गेट बंद है क्योंकि सुबह का समय है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात्रि 8:45 तक। तो अब हम दूसरे गेट से आपको ले चलते हैं। यहाँ है ये मेन गेट, अब हम मेन गेट के ऊपर आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं देवरा बाबा आश्रम के मेन गेट पर। ये इधर है किसी घाट, इधर यमुना नदी है, और ये है बाबा के आश्रम का मुख्य दरवाज़ा। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। इस तरह से आप यहाँ एंट्री करते हैं। राधे राधे साहब। यहाँ जब आप इस प्रवेश द्वार के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ आपको एंट्री करानी पड़ती है रजिस्टर के अंदर। आपका आने का समय और आपका जाने का समय यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से आश्रम का ये प्रांगण है। यहाँ सीधे हाथ की तरफ ये बना हुआ है एक पार्क, और यहाँ कुछ स्पेस है जिसमें आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। और ये है राइट साइड की तरफ, आप देख सकते हैं ये है गौशाला। यहाँ देखिए गाय बंधी हुई है। यह है आश्रम की गौशाला, और यहाँ ये बाल भोग का प्रसाद चल रहा है। सुबह का समय है, यह अभी यहाँ बाल भोग का प्रोग्राम चल रहा है।
तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ देवरा बाबा की जो समाधि स्थल है, यही वो मचान है जहाँ से देवरा बाबा आशीर्वाद दिया करते थे और इसी मचान पर वो रहा करते थे। कभी उनको नीचे उतरते इस तरह से घूमते हुए किसी ने नहीं देखा, वो केवल स्नान करने के लिए इस मचान से नीचे उतरा करते थे। तो यहाँ हमारे साथ में हैं के अंकल जी मिले हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर चौधरी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अभी 10 दिन पहले मैं यहाँ पे आया रहने के लिए। तो थोड़ा बहुत तो देवरा बाबा के बारे में हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के मुझे इनकी और लीलाओं के बारे में बहुत कुछ पता लगा। 1980 से 1990 तक बाबा वृंदावन के इस स्थान पर ही रहे। पूरा वृंदावन जमुना के दूसरी तरफ है, इस तरफ ये जमुना के जमुना में ही ऑलमोस्ट किनारे पर ही मचान बनाकर यहाँ ही रहे। बिल्कुल दुनिया से दूर, ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे नेता गण, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब के सब इनसे आशीर्वाद लेने आते थे। मोतीलाल नेहरू हो गया, गुलजारी लाल नंदा हो गया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब लोग उनसे मिलने आए और समय समय पर आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। तो बाबा खाते कुछ नहीं थे और उनसे जो हजारों श्रद्धालु उनसे मिलने आते थे, उनको न मालूम कहाँ से मौसम के और बेमौसम के फल प्रसाद में दिया करते थे। सर्दियों में आम बांटना शुरू कर देते थे जबकि कहीं आम लगता ही नहीं है, तो कहाँ से आता था मालूम नहीं। पतासे, आम और फल, ड्राई फ्रूट सब बांटते थे, कोई खाली हाथ नहीं जाता था इनके यहाँ से। तो सिद्ध पुरुष थे, इन्होंने अपने कभी उम्र अपनी बताई नहीं, लेकिन जो विवरण हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं पुराने, उससे मालूम पड़ता है कि वो किंग जॉर्ज 5 से पहले भी, उनके बड़े भाई भी यहाँ आया करते थे। किंग जॉर्ज 5 के बड़े भाई भी आया करते थे और नेपाल नरेश जो है उनकी कहते 17 पीढ़ियों से वो बाबा के शिष्य रहे हैं। तो अब ये तो एजलेस सेंट्स हैं, इंडिया इज़ नोन फॉर एजलेस सेंट्स। यहाँ पे और भी बहुत सारे एजलेस सेंट्स हैं, एक महावतार बाबा जी हैं जो अभी तक जीवित हैं हजारों सालों से। और इन्होंने एक बार किसी को बताया था कि महाभारत काल के भी कई ऋषि मुनि अभी तक जिंदा हैं, जिनमें से एक ये भी थे। तो इनकी तो लीलाएं बहुत हैं और हम यहाँ बैठे हैं तो हम इनसे जो लोग मिले थे, इनके संपर्क में आए और जिनके आशीर्वाद जिनको प्राप्त हुआ इनसे, ऐसे बहुत लोग यहाँ आते हैं और अपनी अपनी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, तो सही रॉन्ग टे खड़े करने वाली इन्फॉर्मेशन होती है उनकी। तो यही पीछे मचान है, वहाँ फोकस कीजिए, वो पीछे जो मचान है वो ओरिजिनल मचान है, वो ओरिजिनल मचान है। बल्लियों पे होता था पहले वो, तो बल्लियाँ जो गल गई तो उन्होंने बाद में इस पर टीक वुड का बहुत बढ़िया ही स्ट्रक्चर बना के मचान को वहीं प्रिजर्व कर लिया है। और आगे जो ऊपर छप्पड़ है इसके नीचे आके बैठ के वो दर्शन दिया करते थे, वहीं पे छोटा सा ये मंदिर सा बना दिया गया है और बाबा की मूर्ति लगाई गई है। हाँ, तो ये जैसे कि आपने देखा, ये ऊपर जो छप्पड़ है इसी छप्पड़ के नीचे बैठ के और बाबा सबको आशीर्वाद दिया करते थे, अक्सर पांव से आशीर्वाद दिया करते थे। 8 फुट ऊंचा इनका मचान होता था और वो टांग लटका के अपनी एक और अपने पांव से ही सर पे आशीर्वाद दिया करते थे आगंतुक लोगों को। तो ये इनकी प्रथा थी, पहनते कुछ नहीं थे, खाते कुछ नहीं थे। तो बाबा तो कहते हैं कि यहाँ के कॉस्मिक एनर्जी जो है वायु में, सारे तत्व हैं इंसान को जीवित रखने के लिए। इंसान अपनी बेसमझी के कारण ही ये इतना अधिक खाता है और फिर बीमारियां पकड़ता है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी, ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा। ये इनका एक ये समाधि स्थल है जहाँ पे बाबा ने जल समाधि ली थी, ये लोकेशन है और उसी पर ये मंदिर बनाया गया है। अभी अंदर बाबा की एक मूर्ति है और फिर इसके ऊपर बड़ी मूर्ति और एक रिप्लिका मचान की वो ऊपर बना दी गई है, जहाँ सुबेरे शाम आरती, हनुमान चालीसा और बाबा जी का प्रसाद तीनों टाइम चलता है। और उनके जो शिष्य थे जो अभी अब संभाल रहे हैं इस जगह को,
जिनको हम बड़े महाराज जी कहते हैं, उनकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये बड़े महाराज जी हैं, ये आजकल यहाँ पे विराजमान हैं और यहाँ का संचालन करते हैं और भक्तों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये है रास्ता उस समाधि स्थल का जहाँ बाबा जी ने समाधि ली थी, जल समाधि। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अभी ऊपर, इसी के नीचे एक कमरा है, सबसे नीचे कमरा है, उसी कमरे के अंदर बाबा जी ने जल समाधि ली थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये यमुना नदी का कितना विहंगम दृश्य है, यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए, ये है कुंभ का मेला, इधर लगा हुआ है। वो देखिए, वो केसी घाट है, वहाँ पर कुंभ का मेला लगा हुआ है और स्नान चल रहा है अभी। देखिए ये कुछ इस तरह से, आप देखिए पीछे से, आप देखिए ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये मचान बना हुआ है। ये भी है एक मचान, लेकिन बाबा का जो मुख्य मचान है वो नीचे है। आप इधर दिखाइए, ये है मुख्य मचान जहाँ पर बाबा बैठा करते थे और ये समाधि स्थल है। हाँ देखिए, यहाँ से कितने सुंदर दर्शन होते हैं बाबा के मचान के। तो देखिए यहाँ बैठा करते थे बाबा और बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से ये मचान बना हुआ है। यहाँ से बाबा पैर से आशीर्वाद दिया करते थे, नीचे भक्तगण खड़े होते थे और यहाँ से बाबा पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। ये उनकी कुटिया बनी हुई है, इसी में रहा करते थे बाबा, केवल स्नान करने के लिए उतरा करते थे। यहाँ आश्रम में आपको विचित्र प्रकार की गाय भी मिल जाएंगी। ये हैं केरल की गाय, केरल की गाय मानी जाती हैं। इनके सींग बड़े ही डिफरेंट टाइप के सींग हैं, ऊपर की तरफ हैं, और माना जाता है कि इनका जो दूध है काफ़ी मीठा और पौष्टिक होता है, लेकिन ये और गाय की अपेक्षा कम दूध देती हैं। आपको देखिए, पास से दिखा देते हैं आपको किस तरह की ये गाय हैं। बाबा के आश्रम में और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो लंबा होने की वजह से इसका दूसरा पार्ट भी बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।